पाइनएप्पल केक। तो शुरू करें। यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल केक के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगने हैं, मैंने ये 200 ग्राम के कप से नाप के एक कप शुगर ली है, एक कप दही लिया हुआ है, 1/4 ऑयल लिया है, और इसी कप से नाप के 1/4 मैदा लिया है, और ये पाइनएप्पल कलर एंड एसेंस, इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, 1/2 से 1/2 मैं बेकिंग सोडा लिया हुआ है। तो यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दही डालूँगी, ये दही लिक्विड है, और ये शुगर डाल दूँगी, और इसको खूब अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसमें ये बेकिंग पाउडर डाल देंगे और बेकिंग सोडा डाल देंगे। ये देखिए, दोनों चीज़ डालने से ये देखिए थोड़ा फूलने लगता है। अब मैं इसमें धीरे धीरे मैदा डालती जाऊंगी। पूरा मैनेजमेंट मैंने इसी कप से लिया है। इसको बहुत अच्छे से मिला लेंगे। मैदे को मिलाने में अभी थोड़ी डो टाइट सा हो गया है, तो मैं यहाँ पे दूध डालती जाऊँगी। ये देखिए, हमारा मैदा बहुत अच्छे से मिल गया है। अब मैं इसमें ये 1/4 ऑयल डाल दूँगी। पेस्ट बिल्कुल हल्का होना चाहिए और पतला होना चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए, हाथ हल्के चलने चाहिए। अब इसमें मैं पाइनएप्पल एसेंस और कलर डाल दे रही हूँ। मैंने गैस को 5 मिनट पहले गर्म करने रख दिया है। मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, इसलिए गैस ऑन कर दी है। ये देखिए, मैंने कंटेनर में बटर पेपर लगा दिया है। आप चाहें तो ऑयल लगा के मैदा भी भुरक सकते हैं। ये देखिए मेरा कितना हल्का घोल है, ये देखिए रिबन जैसे बन रहे हैं। अब मैं इसको कंटेनर में डाल दे रही हूँ। ये मेरी कढ़ाई हो गई है। मैं इसमें स्लो फ्लेम में रख दे रही हूँ। 35 से 40 मिनट के लिए स्लो फ्लेम में रख दिया है मैंने। ये देखिए, मेरे केक को 35 मिनट हो गए हैं। अब मैं खोल के देख रही हूँ।
ये देखिए अब मैं गैस को ऑफ कर दे रही हूँ। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए ठंडा होने रख दे रही हूँ, फिर इसकी आइसिंग करूँगी। ये देखिए हमारा केक बनकर तैयार हो गया है और ठंडा भी हो गया है। मैं इसको साइड पे रख रही हूँ और मैं इसके लिए आइसिंग के लिए ये मैंने व्हिप क्रीम ली है 1 कप, इसको मैं बीटर से फेंट रही हूँ। ये देखिए हमारी व्हिप क्रीम बनके तैयार हो गई है। अब मैं इस केक को देखिए कितना बढ़िया बना है। अब मैं इसके चारों तरफ के साइड काट दे रही हूँ। ये देखिए हमारा केक कितना बढ़िया बना है। अब मैं इसकी 3 लेयर कर दे रही हूँ बना इससे चाकू से। ये देखिए मैंने केक की 3 लेयर कर दी हैं। अब मैं इसमें सबसे नीचे इसमें मैं शुगर सिरप लगा रही हूँ। ये देखिए ये मैंने शुगर सिरप डाल दी है। अब मैं इसमें क्रीम डाल रही हूँ। इसको बराबर कर लेंगे। इसमें थोड़ी थोड़ी पाइनएप्पल के टुकड़े डाल दूंगी। अब ये दूसरे वाले में भी ये शुगर सिरप मिला देंगे। इसको इसके ऊपर रख देंगे, फिर इसमें क्रीम लगा देंगे। इसमें भी पाइनएप्पल के टुकड़े थोड़ी थोड़ी डाल देंगे। ये देखिए अब मैं ये इस वाले पल्ले को, ये थोड़ी ऊपर उठा हुआ है, इसको थोड़ा सा निकाल दे रही हूँ। मैं इस पल्ले को भी इस तरह रख दूँगी और इसमें भी शुगर सिरप मिला देंगे। अब इसमें क्रीम लगा देंगे। ये
ये साइड में भी मैं क्रीम लगा रही हूँ। ये देखिए मैं स्क्रेपर से इसमें साइड साइड में भी लगा रही हूँ। ये देखिए ऊपर भी मैं स्क्रेपर से कर दे रही हूँ। ये देखिए मैंने इसको चारों तरफ से क्रीम लगा दी है और बची हुई क्रीम मैंने इसमें कोन में भर ली है। अब मैं इसे बना रही हूँ। अब मैं इसमें करौंदा की जो चेरी होती है वो इसमें एक एक रख दूंगी। बाकी मैं इसमें थोड़ी थोड़ी ये भी रख दूंगी। मैं ऐसे करके सजा दे रही हूँ। ये देखिए हमारा पाइनएप्पल केक बनकर तैयार हो गया है सर्व करने के लिए। मैं इसको थोड़ा सा काट के दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारे केक इस तरह तीन लेयर में ऐसा दिख रहा है। आप भी मेरे अनुसार बनाइए, मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय जिनेंद्र।